दोस्तों, अगर आप PUBG गेम खेलते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक यूनिक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस जो है PUBG गेम एक्सपीरियंस उसे एक अलग ही लेवल पर लेके जाएगा और आपको डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी देने वाला है। अगर आपको याद होगा, मैंने ये जो Flydigi कंपनी का ट्रिगर बटन है, इसका मैंने काफ़ी समय पहले एक रिव्यू किया था। अगर आपने देखा नहीं है तो उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफ़ी बढ़िया ट्रिगर है और ये भी आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसे और भी बेहतर बना सकता है। लेकिन ये जो Flydigi कंपनी है, इसका एक और प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है और इस वीडियो में मैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये है वो प्रोडक्ट, Flydigi कंपनी का Wasp2 एलाइट एडिशन। इसकी कीमत काफ़ी बढ़िया है, 2500 रुपए के आसपास, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, मतलब कि 9 दिसंबर तक। 9 दिसंबर के बाद इसका जो प्राइसिंग है ये बढ़ सकता है। तो अगर आप ये जो डिवाइस है ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो वीडियो है ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसे आप किस प्रकार से PUBG गेम खेलते समय उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से ये आपको एडवांटेज दे सकता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहां से आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं और कौन से शिपिंग मेथड के लिए आपको जाना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है पुराना Flydigi का ट्रिगर बटन। अभी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और ये है एडवांस्ड गेम कंट्रोलर। इसे आप एक तरह से मिनी गेम पैड भी कह सकते हैं, Flydigi कंपनी का Wasp2 एलाइट एडिशन। और चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको बता देता हूँ। वैसे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी आपको बॉक्स के ऊपर मिल जाएगी। ये लीजिए, इसे मैं खोल देता हूँ और इस प्रकार से इसे पैक किया हुआ है। बॉक्स के अंदर आपको ये यूज़र मैनुअल मिलता है जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और ये देखिए, प्रोडक्ट को इस प्रकार से पैक किया हुआ है। पहली बार मैंने देखा है कि गेम पैड के साथ में आपको ये बढ़िया किस्म का केस भी मिलता है। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया किस्म का केस है, हार्ड केस है। और ये लीजिए, केस को मैंने खोल दिया है और इसके अंदर आपको मिलेगा ये गेम पैड। इस गेम पैड को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार का है ये गेम पैड। जैसा कि मैंने कहा, ये एक मिनी गेम पैड है, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग है। फ़िलहाल इसे मैं रख देता हूँ। ये देखिए, आपको एक्स्ट्रा जॉयस्टिक बटन मिलता है और साथ में ये स्पेशल बटन दिया हुआ है जिसे आप ये जो गेम पैड है इसके पीछे साइड पर उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये बहुत ही खास किस्म का बटन है। इसके अलावा इस छोटे से केस में आपको ये देखिए वारंटी कार्ड भी मिलता है। ये जो पाउच है इसके अंदर ये डेटा केबल दिया हुआ है, USB to USB Type-C डेटा केबल, जिसका उपयोग करके इस गेम पैड में जो बिल्ट इन बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये है Flydigi कंपनी का Wasp2 एलाइट एडिशन वाला गेम पैड और ये पुराने वाला Flydigi ट्रिगर बटन। ये एक तरह से मिनी गेम पैड है और इसे आपको एक ही साइड पर आपके स्मार्टफोन पर लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक रिलीज़ बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करते ही ये देखिए इस प्रकार से ये बाहर आ जाता है और जो भी आपका स्मार्टफोन का साइज़ है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं और स्मार्टफोन को यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ पर रबर पैडिंग दिया हुआ है ताकि स्मार्टफोन को अच्छा ग्रिप मिल जाए और ये जो प्रोडक्ट है उसे डैमेज भी नहीं करने वाला है। इनफैक्ट इसकी बिल्ड और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है और देख सकते हैं कि ब्लैक और येलो कलर कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे जो बटन्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है जॉयस्टिक जिसका उपयोग करके आप मूवमेंट कर सकते हैं। बी और ए बटन दिया हुआ है और यहाँ पर एक स्पेशल बटन दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, लेफ़्ट बटन है, ऊपर लेफ़्ट ट्रिगर बटन है और यहाँ पर नीचे की तरफ ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे इस प्रकार से आप खोल सकते हैं और इसका उपयोग करके ये देखिए, यहाँ पर USB टाइप सी पोर्ट है, इसका उपयोग करके इसमें जो बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, एक और USB टाइप सी पॉइंट है। इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जब आपको इंस्टॉलेशन करना है आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर। इसके बारे में जानकारी आपको यूज़र मैनुअल में मिल जाएगी, मैं आपको ये भी बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए, इस प्रकार का है ये मिनी गेम पैड। और जो स्पेशल बटन है जो केस के अंदर था, अगर आप चाहें तो इसे इस प्रकार से यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से ये जो बटन है इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल इसे मैं निकाल देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही खास किस्म का बटन है और अगर आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट कैसा है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो आईफोन है उसे इसके साथ में कनेक्ट करता हूँ। इस मिनी गेम पैड की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म का है, अच्छा सा ग्रिप भी देता है। और ये देखिए, जो आईफोन है इसके ऊपर मैंने ये कवर लगाया हुआ है और मुझे कवर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पीछे बटन है, रिलीज़ बटन, इसे प्रेस करके इस प्रकार से मैं खोल देता हूँ और फिर
आईफोन को इस प्रकार से लगाता हूँ और ये बंद कर देता हूँ। ये देखिए अच्छा सा ग्रिप मिल गया है, तो मुझे कवर निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर मैं चाहूँ तो कवर भी निकाल सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरीके से फ़िट हो गया है और मुझे इस प्रकार से आईफोन को पकड़ना है, और साथ में ये जो मिनी गेम पैड है इसका भी मैं इस प्रकार से उपयोग कर सकता हूँ। थोड़ा सा एंगल टेढ़ा है क्योंकि मैंने कवर के साथ में इसका उपयोग किया है। वैसे अगर आप चाहें तो इस कवर को निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये जो बटन है इसे मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ। ये देखिए आपको LED लाइट दिख रही है, मतलब कि ये पावर ऑन हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इस गेम पैड का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो उसका जो QR कोड है वो आपको यूज़र मैनुअल में मिल जाएगा। तो मैंने जो एप्पल का QR कोड है उसे स्कैन किया है और एक एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर दिया है। एप्लीकेशन का नाम है Flydigi गेम सेंटर, और इसका उपयोग करके आप बेसिकली जो मिनी गेम पैड है इसे कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। वैसे ये ब्लूटूथ का उपयोग कर रहा है, ब्लूटूथ के ज़रिए ये मेरे आईफोन के साथ में कनेक्ट हो गया है। इनफैक्ट आईफोन पर कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, आपको ब्लूटूथ ऑन करना है, ब्लूटूथ में जाना है और इस डिवाइस को भी ऑन करना है, और जब ये डिवाइस आपको ब्लूटूथ में दिख जाएगा उसे टैप करना है ताकि ये कनेक्ट हो जाए। उसके बाद में आप ये जो एप्लीकेशन है इसे रन कर सकते हैं और आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। क्योंकि मैंने पबजी गेम ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मुझे यहाँ पर ऑलरेडी पबजी दिख गया है, तो यहाँ पर जाके मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो इसे कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ में भी उपयोग कर सकते हैं। मुझे एक अपडेट आया हुआ है, तो ये देखिए एक अपडेट आया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो अपडेट है मैं इसे कर देता हूँ। ये देखिए अपडेट हो रहा है और यहाँ पर जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो फ़िलहाल ये जो प्रोसेस है इसे मैं होने देता हूँ। वैसे तो ये जो मिनी गेम पैड है इसे मैंने पबजी गेम के साथ में कॉन्फ़िगर कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर टैप करता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर मैं एडजस्ट में आता हूँ, और ये बेसिकली की मैपिंग है, जो सेटिंग्स आपने पबजी में किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर जो मिनी गेम पैड है इसके ऊपर जो भी बटन्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको सेटअप करना है। जैसे कि ये जो ट्रिगर बटन है ये वाला, इसे मैंने यहाँ पर ये देखिए लेफ़्ट ट्रिगर बटन यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको सेटअप करना है और उसके बाद में अप्लाई करना है और फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए इसे मैंने सेव कर दिया है और अब मैं डायरेक्टली जाके पबजी गेम खेल सकता हूँ। इस मिनी गेम पैड का उपयोग करके मैं किस प्रकार से पबजी गेम खेल सकता हूँ, जो कंट्रोल्स है मैं उसे चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा करके हाथ से खेलता हूँ। तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है लेआउट, मैं उसमें जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट लेआउट 2, और इसे सेव करके एग्ज़िट करता हूँ। तो अब ये काम करेगा। ये देखिए मैं अब ये जो मिनी गेम पैड है इसका ट्रिगर बटन का उपयोग कर रहा हूँ, और ये देखिए जो जॉयस्टिक है उसका उपयोग करके मैं मूव कर रहा हूँ। एक चीज़ मैंने नोट किया हुआ है कि इसका जो सेंसिटिविटी है उतना ही है जितना कि जब मैं स्क्रीन के साथ में खेलता हूँ, मतलब कि ये जो मिनी गेम पैड है इसका मैं उपयोग नहीं करता हूँ, तो दोनों में मुझे उसी प्रकार का सेंसिटिविटी मिल रहा है जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको याद होगा मैंने MKT के गेम पैड का भी रिव्यू किया था, इसका सेंसिटिविटी बाय डिफ़ॉल्ट बढ़िया है। MKT में आपको जो सेंसिटिविटी है उसे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको कुछ एक्शन दिखाता हूँ इस गेम पैड का उपयोग करके। मुझे अभी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं ये जो गेम पैड है इसे पहली बार उपयोग कर रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्पेशल ट्रिगर बटन है इसे आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ये लीजिए ये जो बटन है इसे मैंने पीछे लगा दिया है। तो ऐसा है कि ये देखिए आपको ये लेफ़्ट बटन मिलता है, ये है लेफ़्ट ट्रिगर बटन, और साथ में आपको एक और बटन मिल जाता है यहाँ पर। तो आप या तो इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, 3 फिंगर्स का उपयोग कर सकते हैं इस गेम पैड पर। वैसे मैं ये जो लेफ़्ट ट्रिगर बटन है और ये जो बटन है इन दोनों का उपयोग करने वाला हूँ, तो इसका मैं सेटअप करता हूँ और उसके बाद में बताता हूँ कि आप किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे आप ये जो बटन है इसका आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो ये जो M बटन है इसे मैंने राइफ़ल के ऊपर सेट कर दिया है और इसे मैंने सेव कर दिया है, और अब मैं पबजी गेम खेलता हूँ। तो मान लीजिए मैं प्राइमरी राइफ़ल का उपयोग कर रहा हूँ और इस प्रकार से फायरिंग कर रहा हूँ, ये देखिए, और रीलोड करता हूँ तो समय लगता है। तो जब मैं रीलोड करता हूँ तो समय लगता है, इसलिए ये जो M बटन है इसे प्रेस करते ही जो दूसरा राइफ़ल है वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए, और मैं ये देखिए फटाफट शूट कर सकता हूँ। ये मेरा प्राइमरी राइफ़ल है, शूट कर रहा हूँ और तुरंत ही शिफ्ट करके दूसरा राइफ़ल लेके शूट। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है मिल सकता है। डिपेंड करता है आपका यूसेज कैसा है, उसके हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। तो ये देखिए ये प्राइमरी राइफ़ल है, और अगर मैं इस प्रकार से मूव कर रहा हूँ शूट करके चेंज करके शूट। तो दोस्तों ये है Flydigi कंपनी का Wasp2।
एक गेम पैड, मिनी गेम पैड कह सकते हैं। ये आपका गेमिंग एक्सपीरियंस, खास करके पबजी गेमिंग एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पर लेके जाएगा। और खास करके ये जो ट्रिगर बटन दिया हुआ है, स्पेशल ट्रिगर बटन जो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका उपयोग नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका उपयोग करके आपको एक डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, जिसका आप बड़े तरीके से इस गेम पैड के साथ में उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, ये ब्लूटूथ के जरिए आपके स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट होता है और बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो आपको तकरीबन 80 आवर्स का, 80 घंटे का नॉनस्टॉप यूसेज मिल सकता है एक फुल चार्ज पर। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एप्पल डिवाइसेस के साथ में इसे कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, लेकिन एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ में आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स को फॉलो करना है। खास करके ये देखिए, ये जो केबल दिया हुआ है, इसे आपको आपके डिवाइस के साथ में कनेक्ट करना है और कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस प्रकार से आप की मैपिंग कर पाएंगे। अब ये USB टाइप सी पॉइंट है, अगर आपके स्मार्टफोन में USB टाइप सी पॉइंट नहीं है तो आपको अडाप्टर लेना पड़ेगा USB टाइप सी टू माइक्रो USB। तो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, खास करके अगर आप पबजी गेम खेलते हैं तो आपको ये ज़रूर खरीदना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है, आप इसे बैंगोड वेबसाइट से खरीद सकते हैं। कीमत है तकरीबन 2500 रुपये के आसपास, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जो प्राइसिंग है 2500 रुपये का, ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, मतलब कि 9 दिसंबर तक, उसके बाद में इसका जो प्राइसिंग है ये बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप ये बैंगोड वेबसाइट से खरीदने का सोच रहे हैं तो इंडिया डायरेक्ट मेल, ये शिपिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, उसी का ही उपयोग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये Flydigi Wasp2, ये प्रोडक्ट आपको कैसे लगा, खास करके अगर आप पबजी लवर हैं तो ये जो प्रोडक्ट है आपको कैसे लगा, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।